तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं सीपीएम, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने उनके समर्थन में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सड़क पर आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियां भारत बंद का समर्थन कर रही है। पूरे देश में भारत बंद है और आज जो एक के दुख के गाड़ियां सड़कों पर दिख रही है वह सभी गाड़ियां बीजेपी की है। और उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को जबरन पास कर दिया गया। सभी विपक्षी दलों ने मांग की तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले और जो गरीब किसान है उनके लिए ये खराब बिल है। वहीं जेएमएम के जिलाध्यक्ष रमेश टुड्डू ने कहा कि धनबाद की जनता बंदी का समर्थन स्वेच्छा से कर रही है। जिस कानून का किसानों को आवश्यकता ही नहीं है फिर क्यों किसानों को थोपा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि भाजपा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम लोग भारत बंद किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जेएमएम, संयुक्त मोर्चा सड़क पर उतरी हुई है और भारत बंद का समर्थन कर रही है। और केंद्र सरकार जो हठधर्मी का रवैया अपनाए हुई है उसे चेतावनी हम लोग देते हैं कि यदि कृषि बिल यानी काला कानून बिल वापस नहीं लेते तो आंदोलन चालू रहेगा और केंद्र सरकार को मजबूर होकर के अपना बिल वापस लेना होगा और नहीं तो पूरा भारत बंद रहेगा। नाम परिचय? मुमताज कुरैशी, राष्ट्रीय जनता दल जी, धनबाद महानगर अध्यक्ष। जो हम लोग का पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम था उसी के तहत आज हम लोग रोड जाम किया है और हम लोग किसानों के समर्थन में ये आंदोलन कर रहे हैं। जो किसानों का मांग है कि तीनों काला कानून वापस लो, इसके समर्थन में हम लोग आज जब पूरा भारत बंद किए हुए हैं और उसी के संदर्भ में आज जो है हम लोग रणधीर वर्मा चौक जाम करके रखा। आपका नाम परिचय? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज रजा कुरैशी, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आज हम लोग तमाम पार्टी भारत किसानों के समर्थन में, मजदूरों के समर्थन में आज हम लोग संपूर्ण भारत बंद के तहत आज धनबाद में भी हम लोग भारत बंद किए हुए हैं, यहाँ पर रोड में बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि किसानों का जो एमएसपी को समाप्त कर और कृषि कानून नया कीजिए, महंगाई के खिलाफ में बंद है, कृषि कानून में जो लाया है उसमें संशोधन करे और विरोधी जो बुलाया है ये कृषि कानून जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, आम जनता विरोधी है। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि जब तक इस कानून को नहीं बदलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन निरंतर आगे। आपका नाम परिचय? हरि प्रसाद मासस।